क्या आप वेलोसिटी और स्पीड के बीच में डिफरेंस जानते हैं? हम आम आदमी जिसे स्पीड कहते हैं, साइंटिस्ट लोग उसी को वेलोसिटी कहते हैं। गलत जवाब। वेलोसिटी और स्पीड दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं, बट उसे समझने के लिए हमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच के डिफरेंस को समझना होगा। डिस्टेंस ट्रैवल्ड का मतलब है टोटल कितनी दूरी तय करके कोई व्यक्ति या कोई चीज स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट या डेस्टिनेशन तक पहुंचती है, जिसे यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखाया गया है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कहाँ से कहाँ तक पहुंचे, उसे ब्लैक एरो से रिप्रेजेंट किया गया है और इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं, पहली की कितने दूर पहुंचे और दूसरी की स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में मूव किए। अगर एक आदमी 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ मूव करता है, उसके बाद 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ मूव करता है, तो उसका जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 4+3 यानी 7 किलोमीटर होगा। जबकि अगर उसके डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में √4² + 3² यानी कि 5 किलोमीटर मूव किया है। इसीलिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो सकता है। इसी डिस्प्लेसमेंट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद लेनी पड़ती है और ओरिजिन के उल्टे साइड के डिस्प्लेसमेंट को हम निगेटिव वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को निगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। स्पीड और वेलोसिटी में एक ही चीज कॉमन है और वो ये है कि दोनों के दोनों यूनिट टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को मेजर करते हैं। दूसरे शब्दों में कोई दो अलग अलग चीजें 1 मिनट, 1 सेकेंड या 1 घंटे या 1 दिन में कितने दूर मूव की, इसका मेजर दोनों की दोनों यानी स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही करती है। इसी को हम स्लो फास्ट वगैरह भी कहते हैं। बस दोनों में इतना ही फर्क है कि वेलोसिटी जो कि एक वेक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है, जबकि स्पीड जो कि एक स्केलर है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड को मेजर करता है। अब इस बैल को देखिए, ये घूमकर अपनी पोजीशन पर वापस आ जाता है, इसलिए इसका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, जबकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो 2πr होगा और इस वजह से इसकी वेलोसिटी 0 होगी।